हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के YouTube चैनल टेक्निकल दोस्त में। तो जैसा कि iOS 16 रोल आउट हो चुका है, मोस्टली बीटा वर्जन उसका पब्लिक बीटा रोल आउट हो चुका है और उसके एक अंदर बहुत ही मज़ेदार फीचर आया है जिसके अंदर आप जिस वाईफाई से कनेक्टेड उसका पासवर्ड चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, उनको उनका पासवर्ड नहीं पता होता है, या फिर उनको दूसरे फ़ोन में अगर उनका सेम पासवर्ड डालना होता है तो उनको नहीं पता होता, या दूसरे किसी फ्रेंड के घर पे गए हो, बार बार पासवर्ड मांगना अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए एक सेटिंग है, आपको उसके लिए सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में आपको इधर से वाईफाई ढूंढना पड़ेगा, तो वाईफाई इधर ही है। यहाँ पर आप दिख रहा है जैसे कि जो वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ, तो उसका अगर मेरे को पासवर्ड चेक करना है तो उस पर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर पासवर्ड मेरा हिडन है। तो पासवर्ड चेक करने के लिए मेरे को क्लिक करना होगा, तो ये फेस आईडी से मेरा अनलॉक होगा और यहाँ पे मेरे को मेरा पासवर्ड दिख जाएगा। उस पासवर्ड को मैं कॉपी करके किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ या फिर मेरे दूसरे डिवाइस में डाल के उसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ ऑप्शन iOS 16 के अंदर है जो पब्लिक बीटा रोल आउट हो चुका है उसमें। उसके पहले जितने भी वर्जन है iOS 15, iOS 14, उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है। और ये iOS 16 पब्लिक के लिए पब्लिक बीटा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बाकी का जो फाइनल वर्जन है वो iPhone 14 के साथ में लॉन्च होगा सितंबर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमेशा नई नई मज़ेदार वीडियो पाएं सबसे पहले।